छिड़ी नगरी की जानी मानी हैदर अजीज जार में तो लगता लोग अस्थी रविंद्र जी शिवाली साहब का प्रकाश जी पधारे और रविंद्र जी शिवाली साहब का स्वागत सत्कार करें, गुरुदेव का आशीर्वाद भी सभी को दिलवाए। प्रकाश जी सोलंकी साहब स्वागत करेंगे रविंद्र जी शिवाली साहब का। यादगार अवसर है, 701वीं जयंती गुरुदेव पिताजी महाराज के यादगार उत्सव की। ये उत्सव गोवर्धन विलास में मनाया जा रहा है और चौथी विशाल शोभा यात्रा निकालकर सभाजन अब यहाँ पहुंचे और सभी के सानिध्य से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार से मौका गया। भाई पिताजी महाराज कृपा जयंती के अवसर पर मैं पूरे समाज का बहुत आभार करना चाहूंगा और समाज को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समाज निरंतर आगे बढ़े, पिपा जी महाराज के आशीर्वाद से समाज हर क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जगत में भी ये समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे। समाज में आपस में जो प्रेम और स्नेह है, ये सब मिलजुल कर अपने समाज की प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ावें, आज ये संकल्प भी लेवें और साथ ही साथ जिस प्रकार की सोच और जिस प्रकार के आदर्श हमारे संत पिपा जी की जो वाणी और जो उनके उपदेश हैं उसको मन के अंदर धारण कराकर जीने का प्रयास करेंगे तो मन के अंदर सबसे जो बड़ा चीज़ है शांति कहीं मिल सकती है तो केवल संतों की वाणी से, उनके जीवन से मिल सकती है। बाकी तो प्रभु आप सामर्थ्यवान हमारा ये समाज है, पुरुषार्थी समाज है, अपने बल पर अपने जो काम कर रहे हैं तो समाज की प्रतिभा भी आगे बढ़े। समाज के अंदर जो बच्चे हैं ये RS IAS की परीक्षा में कैसे आगे बढ़े और भी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आगे बढ़े। एक बार पुनः समाज का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि निरंतर वर्षों से आप संत पिपा जी के चरणों में रहकर और समाज को जागृत करते हैं कि संत पिपा जी का जीवन और जिस प्रकार के एक संत के रूप में उन्होंने समाज एक अच्छे ऋषियों में उनकी गिनती होती है तो संत पिपा जी के जीवन को जन जन तक पहुँचाए, केवल अपने समाज में नहीं अभी तो सभी जगह पर सब समाज के लोगों को भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि संत पिपा जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा था। एक बार पुनः मैं पूरे समाज का बहुत आभार करना चाहता हूँ कि समाज का मेरे पर बहुत ऋण है। एक काम बाकी है वो भी आदरणीय है, हमारे परिवार जी ने ना आपने सब मिलकर किया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस फाइल के लिए आप लोगों ने प्रयत्न किया है उसको अपन तुरंत प्रभाव से कुछ दिनों के अंदर ही उसको सफलीभूत कराएंगे। एक बार पुनः पिपा जी महाराज के चरणों में चौचौ वंदन और इनसे भगवान ठाकुर जी से भी हम सब लोग यही निवेदन करें कि समाज के जो कुछ आवश्यकता है उस समाज की आवश्यकताओं चाहे जमीन से लगाकर और कुछ भी है समाज हमको बस सभी चीजें उपलब्ध करवाएं और समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे रविंद्र श्रीमाली जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष महोदय। और देखिए आपकी नम्रता देखिए, समाज का स्वागत स्वयं कर रहे हैं और बड़ी संख्या में माताएं बहनें सभी विराजे हुए हैं। आज का यह संत शिरोमणि पिपा जी जयंती का पूरा आनंद जो है लिया जा रहा है। बिल्कुल पिपा जी महाराज की आवाज पिछले जोर से आनी चाहिए, लगना चाहिए शिवाली साहब में, लगना चाहिए कि ये पिता क्षत्रिय समाज से याद कर उत्सव यहाँ हो रहा है गोवर्धन विलास में। ओ पिपा जी महाराज की, दिलीप जी नाथद्वारा से यहाँ पे आए हैं और राम जी सारे कार्यक्रम छोड़ के यहाँ विराजमान है। राजेंद्र जी परिहार, कर्ण सिंह गोयल और समिति के सारे सदस्य यहाँ मौजूद है और ये यादगार उत्सव है संत शिरोमणि गुरुदेव पिपा जी महाराज के 701वीं जयंती चौथी विशाल शोभा यात्रा के साथ गोवर्धन विलास में प्रोग्राम यहाँ मनाया जा रहा है। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं समिति के सारे सदस्य। आज विशेष रूप से समाज के वीर होनहार पूज्य नारायण सितारे जिले के
अपने क्षेत्र में नंबर वन का किताब हासिल किया है उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और ऐसा पहली बार यहाँ हो रहा है, योगेश जी पंडित साहब जगदेश्वर से यहाँ पधारे, गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करके समाज के सारे सदस्यों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए